अस्सलाम वालेकुम बिलास, क्या हाल है आप सबके। नल वैल्यू तो हमने देख लिया कि क्या होता है, अब हम इसकी थोड़ा सा डिटेल सीख लेते हैं कि नल के अंदर होता क्या है एक्चुअली और क्या कर सकते हैं हम। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा कि हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं लाइक ए लेते हैं और उसके अंदर एक नल लिखते हैं, उसके अंदर में सेमी कॉलन लगाते हैं, एंड जब डेटा टाइप के आगे आके हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं तो वो हमारे पास नल वैल्यू बन जाती है। एक तो इसका मेथड ये है नल को इनिशियलाइज करने के लिए कि हमारे पास ए के अंदर नल वैल्यू है। अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं और ए लिखते हैं, ए पहले ले चुके हैं हम, दोबारा बी ले लेंगे और एंड में सेमी कॉलन करते हैं, तो इसका मतलब भी ये है कि बी की वैल्यू क्या है, वो नल है। अगर मैं प्रिंट बी करता हूँ तो क्या आंसर होना चाहिए, आंसर शुड बी नल। इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। जब इसको रन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आए आंसर आएगा नल। बी की वैल्यू नल हो गई है अगर हमने डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड किया, तो इससे क्या साबित होता है कि क्वेश्चन मार्क आपको बता रहा है कि ये आपकी वैल्यू नल है या नहीं है। इस चीज़ को डिडक्ट करने के लिए हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले हमने इस तरह इसकी वैल्यू को बी लिया, इसको नल कर दिया, प्रिंट कर दिया, अब अगर मैं बी की वैल्यू को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ डेटा टाइप, इसकी स्ट्रिंग है तो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी लाइक नेम लिख देते हैं और इसके एंड में सेमी कॉलन ऐड करते हैं, तो हमने क्या किया इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, पहले नल इनिशियलाइज, पहले नल थी और हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास बी जो है हमने इसको इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग, और ये हमारे पास स्टार्ट हमने इससे नल से लिया, फिर उसको प्रिंट किया, नल प्रिंट हो गया, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया और अब हमने इसके अंदर एक वैल्यू पुट कर दी नेम, तो ये उसने उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर हम मजीद इसको अपडेट करते हैं, अब हम इसको दोबारा नल बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो हम यही कर सकते हैं कि बी के अंदर हम नल पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू जो है वो नल हो जाएगी। अब दोबारा हम इसको प्रिंट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, नल, नल नेम नल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अगर हम अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है उसमें नल ना लिखा हो, उसके अंदर कुछ और लिखा हो इसकी जगह पे, लेकिन ये तो अब प्रोग्रामर को, कोडर को आपको पता है कि ये नल का मतलब कुछ नहीं है, बट यूज़र जो है उसको तो नहीं पता ना कि नल क्या होता है, तो हम अगर इसकी जगह कुछ और शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने प्रिंट बी किया तो इसने नल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मैं चाह रहा हूँ ये जो लास्ट वाला नल है इसकी जगह जीरो है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसकी आउटपुट है हम कहेंगे इसको चेक करो। कैसे चेक करो, डबल यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करोगे तो ये कंडीशन लग गई है उसकी कि अगर ये हो नल हो तो क्या शो कर दे, जीरो डिस्प्ले कर दे। लेट्स सपोज जीरो पे क्लिक करते हैं तो वो जीरो डिस्प्ले कर देगा उसको। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, यहाँ पर मैं वन लिखता हूँ तो वो वन को कर देगा। इस बात को दोबारा समझो कि जो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, बेसिकली ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर वैल्यू नल है प्रिंट पी, जो कि हमें पता है नल है ऑलरेडी, मैं ये कह रहा हूँ अगर वो नल है तो उसको ये आउटपुट में ये शो कर दे कि ये वन है, तो वो कैसे करेगा, आपने डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करना है तो उसके बाद उसके आगे वन लिख देना है या टू लिख देना है या जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ लाइक इसकी लेंथ लेता हूँ कि लेंथ क्या है, तो वो इसके एरर देगा क्योंकि वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो नल है, तो मैं इसकी लेंथ क्या बताऊँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है वो कह रहा है, तो इसकी लेंथ क्या बताऊँ। तो हम ये चेक करना, हम हमें ये पहले पता नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास बी में वैल्यू नल है या नहीं है, बी के आगे क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे तो इससे ये होगा कि वो पहले चेक करेगा आया बी नल है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क क्या करेगा उसको चेक करेगा कि नल है तो वो नल प्रिंट कर दे, अगर नल नहीं है तो वो उसकी लेंथ प्रिंट कर दे। ये कंडीशन ये लिखी हुई है, बी को वो चेक करेगा। अब इसकी आउटपुट देखेंगे वो तो नल है तो उसने वो नल प्रिंट कर दिया। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर नल की बजाय एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसके अंदर कुछ भी लिख लेते हैं, आईडी लिख लेते हैं, अब इसको करते हैं तो अभी आंसर देगा टू। अब उसने देखा इसके, इसने चेक किया यहाँ से बी की कंडीशन को कि बी नल है या नहीं है, इस क्वेश्चन मार्क की मदद से उसने चेक किया तो वो नल नहीं था, तो उसने उसकी लेंथ जो थी वो बता दी कि क्या लेंथ है, टू, आई डी, आई एक, डी सेकेंड, ये टू उसकी लेंथ थी तो वो उसने बता दी। क्वेश्चन मार्क ये चेक कर रहा है कि ये है या नहीं है। अगर यहाँ पर हम
यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड कर देते हैं, एरर नहीं आएगा कंपाइल टाइम पे, क्योंकि ये हमारे पास इस टाइम नल वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर नल पुट कर देते हैं, ये वैल्यू हमारे पास नल है, और हम इसे कह रहे हैं कि इसकी लेंथ बताओ, तो ये हमें रन टाइम पे एरर देगा, कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा। यहाँ पर नहीं एरर दे रहा है, देख लो, लेकिन यहाँ पर ये आउटपुट में आपको एरर दे रहा है। गरे ये वैल्यू नल है, तो मैं इसको कैसे इसका आपको लेंथ बता दूँ। तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, बट इसकी जगह क्वेश्चन मार्क क्या क्या कर रहा है, इसकी इस चीज़ को हैंडल कर रहा है कि वो अगर है तो वो बता दे, अगर नहीं है तो वो फिर उसकी लेंथ बता दे। अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड करते हैं, तो इस बात का मतलब ये है, ये बता रहा है कि नल जो है नहीं है, बी हमारे पास जो है वो नल नहीं है। एक्चुअली वो तो हमारे पास नल है, लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मकसद ये है कि ये बता रहा है कि ये नल नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पर नल ना हो, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हो, उस सूरत में ये सही काम करेगा। कोई भी एक स्ट्रिंग है तो ये उसके ऊपर कोई भी एरर नहीं देगा, ना कंपाइल टाइम पे ना ही रन टाइम पे, क्योंकि इसका मकसद ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, ये बताता है कि ये हमारे पास नल है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर नल लिख देते हैं और उसके बाद इसको कहते हैं कि ये नल है और नल नल नहीं है, सॉरी, तो वो एरर देगा। अगर यहाँ नल लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसको नीचे कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि ये नल नहीं है, एक्चुअली हमारे पास वो नल है, तो ये एरर देगा। जब ये चेक करेगा तो रन टाइम पे इसको एरर देगा। आप सबको ये समझ आ गया हो ये टॉपिक? किसी का फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट करते हैं।